हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है और इस्तकबाल है मॉम फूड डायरी में। आज ईद मिलाद है दोस्तों। आज इस मौके पे मैं आज आपके लिए लाया हूँ कद्दू की खीर की रेसिपी, जो आसान तरीके से कैसे लजीज बनाई जाती है। पूरी रेसिपी, कंप्लीट रेसिपी मैं लाया हूँ आपके लिए। तो चलिए बनाते हैं इस खीर को। इसके लिए हमको चाहिए यहाँ की, ये देखिए, ये कद्दू है, इसको लौकी भी बोलते हैं। 1 kg लगता है इसका। पूरा ऊपर से जो छिलका होता है वो पूरा निकाल लेंगे हम उसको और ग्रेट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, ये खोवा है 200 ग्राम। यहाँ पर 50 ग्राम काजू लगेगा हमको। ये हमारा ड्राई फ्रूट होगा इसमें। और यहाँ पे देखिए, हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे 2 टेबल स्पून, 1 स्पून इलायची पाउडर और 1 स्पून बड़ी सौंफ पाउडर। ये हमारा फ्लेवर करेंगे, फ्लेवर का काम। यहाँ पे हमको घी लगेगा 4 टेबल स्पून, और ये है देसी गुड़, हमने लिया है। गुड़ लगेगा इसमें 500 ग्राम, और ये बादाम है, बादाम भी इसमें 50 ग्राम लग जाएंगे। तो सबसे पहले हमने जो कद्दू को खींच के रखा, कद्दू ग्रेट कर लिया था, उसको हम एक कुकर में 1/2 कप पानी के साथ उसको 6 से 7 सीटियाँ तक उसको पका लेंगे कद्दू को। यहाँ पे देखिए, और दूसरी तरफ हम यहाँ पे एक पतीला लेंगे, पतीले में गुड़ डाल के उसमें थोड़ा पानी डालेंगे और गुड़ को पकाएंगे ताकि वो उसका पंख निकलना शुरू हो जाए, यानी कि जैगरी सिरप बनाएंगे हम। ये हमारा स्वीटनर होगा इस रेसिपी में। तो हमने एक पतीला गर्म कर लिया है दूसरी तरफ, और हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखिए हमारा जो कद्दू हमने कुकर में पका लिया है, ये पूरा रेडी हो चुका है, कुकर में पक चुका है ये कद्दू, यानी कि लौकी। हम क्या करेंगे, हमारे जो पतीला जो हमने गर्म किया है उसमें 4 टेबल स्पून घी डालेंगे। इसमें घी थोड़ा ज़्यादा लगता है। और यहाँ पे जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं काजू और बादाम, उनको 20 सेकंड तक रोस्ट कर लेंगे उसमें घुमाते हुए। नीचे आंच पूरी होगी, इसके बाद हम खवा ऐड करेंगे इसमें। और खवा जैसे नीचे हीट होगी तो वो खवा पिघल जाएगा, और उसमें खवे को भी हम इस घी में 30 सेकंड तक फ्राई कर लेंगे। जैसे ही वो पिघल जाएगा यहाँ पे देखिए इस तरीके से, तो उसको भी हम फ्राई कर लेंगे घी में 30 सेकंड तक। अभी हम जो कद्दू यानी कि लौकी हमने पका के रखी है उसके पानी के साथ उसमें डाल देंगे पतीले में, और पूरा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे जो हमारे फ्लेवर के लिए जो कार्डामम पाउडर और फेनल सीड्स पाउडर है, वो हमने ऐड कर दिया अभी इसमें। उसको थोड़ा पूरा अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये हम टोटल 5 मिनट पकाएंगे, उसके बीच में हम और 2-3 चीज़ें डालते जाएंगे। नीचे आँच पूरी होगी, हमने पूरा मिक्स कर लिया है। अभी यहाँ पर हम डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर। दोस्तों, कॉर्नफ्लोर थिकनेस के लिए डालते हैं। यहाँ पे हमने 1 कप में 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाला है, उसमें थोड़ा पानी डालेंगे, उसको मिक्स कर लेंगे, और ऊपर से ये हमारी खीर जो पक रही है उसमें ऊपर से हम डाल देंगे ये। तो ये हमारी कद्दू की खीर पक रही है, यहाँ पे हम ऊपर से ये डाल देंगे। ये थिकनर, ये इसे थोड़ा गाढ़ी बनती है खीर। हम पूरा मिक्स कर लेंगे ये, और उसको पूरा यहाँ पर देखेंगे बॉयल होने तक उसको पकाएंगे। यहाँ पर देखिए ये बॉयल हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे दूध। दूध हमको लगेगा 1/2 लीटर, यानी कि 250 ml। उसको मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा उबल ही रहा था अभी, तो पूरा ऑलमोस्ट ये पक ही चुका है। टोटल 5 मिनट पकाना है आपको। यहाँ पे देखिए, ये इसमें से और बबल्स आ रहे हैं, तो ये पक रहा है अभी, बॉयल हो रहा है। तो अब हम इसको नीचे उतार लेंगे। अब हम इसमें आखिरी रेसिपी की इंग्रेडिएंट डालेंगे, जो कि है गुड़ का सिरप। हमने जैगरी का सिरप इसमें ऐड कर दिया है, पूरा जो हमने बना के रखा था। ये हमारा स्वीटनर है, इसमें हमने शुगर यूज़ नहीं किया है। तो जैगरी को हम पूरा मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, नीचे ऊपर कर लेंगे। दोस्तों, आप गुड़ को ठंडा होने के बाद ही डालिएगा। तो हमने पूरा मिक्स कर लिया है इसमें पूरा, और यहाँ पे अब हम इसको परोसेंगे। दोस्तों, ये बहुत लजीज बनती है, इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा। ये आप रेसिपी को लाइक शेयर कीजिए। झटपट बनने वाली कद्दू की खीर है। इस रेसिपी को लाइक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को टैप ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। देखने के लिए शुक्रिया।